देखिए, जस्ट मेन गेट के ऊपर ना बाजी ने एक खूबसूरत सी अल्लाह मोहम्मद की टाइल्स लगवाई हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और इनकी गली है, और ये देखिए मेन गेट है इनका, और एक विंडो लगी हुई है साइड में। और अब हम चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेन गेट के आगे एक डोर मैट रखा हुआ है। और देखिए, जैसे ही हम मेन गेट के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो बिल्कुल जस्ट यहीं पर ही इन्होंने एक वॉश बेसिन लगवाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप भी खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपनी सिस्टर के घर पर आई थी, शामली वाली सिस्टर हैं ये, और मैं उन्हीं के घर का होम टूर दे रही हूँ। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पर आई थी ना, तो मुझे काफ़ी कमेंट आई थी कि अपनी सिस्टर के घर का होम टूर दीजिए, बट मैं दे नहीं पाई थी। और अब आने के बाद ना, मैंने फौरी आपके लिए सबसे पहले जो है होम टूर की वीडियो बनाई, ताकि आपको मैं अपनी सिस्टर के घर का होम टूर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, मैं आपको अपनी सिस्टर का घर जो है दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जीना जा रहा है ना, तो ऊपर जो है इनकी जेठानी रहती है। और यहाँ पर देखिए, जीने के जस्ट ये नीचे यहाँ पर मोटर रखा हुआ है, और ये इनका वॉश पर लग रही है, इनकी वॉश बेसिन देखिए, और ये बाथरूम है बराबर में रखा हुआ है, बाथरूम है इनका, देखिए बाथरूम है। और यहाँ पर लगा है टावल, देखिए यहाँ पर एक जो है चारपाई खड़ी हुई है, और बर्तन कच्ची का लग रहा है देखिए। और यहाँ पर देखिए पेंटिंग लगी हुई है, ये भी मेरी सिस्टर भांजी ने हाथ से बनाई हुई है। और देखिए वॉश बेसिन दिख रहे हैं, इसी ऊपर यहाँ पर पानी की टंकी रखी हुई है इनकी, ये देखिए। फिर आ जाते हैं देखिए हम अंदर, के ऊपर चले हैं, ऊपर इनकी दौरानी रहती है वहाँ पर ऊपर। और अब हम आ जाते हैं अंदर, देखिए ये है इनका बरामदा, यहाँ पर रखी हुई देखिए मशीन, कपड़े सिल लेती हैं बाजी। और ये देखिए कर्टन लगे हुए हैं बरामदे में, ये देखिए बरामदा है इनका, दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पर ही बिल्कुल जस्ट जो है इनका किचन है, देखिए किचन में विंडो लगी हुई है। अब आ जाते हैं हम किचन में, ये देखिए मेरी सिस्टर की किचन है, एक गैस चूल्हा रखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये देखिए ये पानी की डोलची रखी हुई है, ये पानी की डोलची रखी हुई है, इसमें पीने का पानी रखते हैं ये। और यहाँ पर लगे हुए देखिए कप, सॉरी ग्लास लगे हुए हैं, ये कप स्टैंड है इनका, बराबर में मिक्सी रखी हुई है देखिए, और ये रखे हुए इसमें ये लगे हुए हैं देखिए, और साथ में ही यहाँ पर रखा हुआ है इनका देखिए बर्तन कच्चे का, इसमें प्लेट्स वगैरह लगी हुई है। और देखिए नीचे आ जाते हैं हम, ये डर्मी वगैरह रखी हुई है, बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं, इसमें चावल हैं, आटा है, और सामान रखे रहते हैं, सिलेंडर देखिए ये सब रखा हुआ है। और देखिए फिर ऊपर आ जाते हैं स्लेब पर, ये देखिए यहाँ पर रखे हुए इनके कंटेनर, देखिए सेट रखा हुआ है कितना अच्छा है, ये टिफ़िन बॉक्स रखे हुए हैं इनकी, ये देखिए। और ये देखिए लगी हुई टाइल्स यहाँ पर, फिर आ जाते हैं इधर विंडो में, ये देखिए यहाँ पर जो है स्टैंड लगा हुआ है इन्होंने, ये जो है दस्तरी वगैरह टंग रही है रोटी की, और यहाँ पर टंग रहे हैं सब चम्मच वगैरह, कुकर के ढक्कन, लीड वगैरह। और यहाँ से बातें बातें भी देखिए करती रहती हैं किचन ऐसे खोल करके, देखिए यहाँ से बातें भी चलती रहती हैं इनकी। और देखिए किचन में ही अंबाजी की जो है अलमारी खड़ी हुई है, यहाँ पर देखिए कला में पग रखा हुआ है इनका, ये रखा हुआ है। और फिर आ जाते हैं इस साइड,
ये देखिए यहाँ पर भी स्लेब पे इनका सामान रखा हुआ है। फिर नीचे आ जाते हैं दूसरे, इसमें ये रखे हुए कंटेनर, ये मसाले के डिब्बे रखे हैं स्पाइसेस के सब, और ये खड़ा हुआ है दस्तरखान। यहाँ पर हीटर रखा हुआ है, ये हीटर पे काम वगैरह कर लेती हैं। देखिए ये है मेरी बाजी का किचन, देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह किचन है इनकी। फिर कमरे से देखिए जस्ट निकल करके ना ये यहाँ पर आ जाते हैं, कमरा है इनका। और यहाँ पर रखी हुई है मशीन, अभी मेरी सिस्टर ने ना बल्ब पुल की मशीन ली है न्यू, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मशीन, न्यू मॉडल की मशीन ली है इन्होंने। दिखाना बाबू खोल कर पिज़्ज़ा, दिखाना खोल कर। ये देखो कि माशाल्लाह, देखिए इतनी खूबसूरत मशीन है इनकी, बहुत प्यारी लग रही है, न्यू मॉडल की है, जो आजकल चल रहा है ना वो है ये की। ये न्यू मशीन ली है बाजी ने अभी, देखिए कितनी प्यारी है, ये न्यू डिज़ाइनिंग की मशीन है। और ये वाली ये देखिए, ये कितनी प्यारी है। और यहाँ से जो है पानी हम फील कर सकते हैं इसमें ना, ये देखिए देखिए ड्राइड भी कितना प्यारा है इसका, कितना मस्त है। बहुत प्यारी लग रही है। और इनकी जो मशीन है ना ये वाली पुरानी वाली, ये खड़ी हुई है, ये सेल कर देंगी ये। यहाँ से आ जाता है सीधा कमरा, देखिए यहाँ से हम आ जाते हैं कमरे में, और कमरे में आते ही यहाँ पर रखा हुआ है इन्वर्टर, देखिए फुल हो रखा है इन्वर्टर इनका। और यहाँ पर लगी हुई है देखिए एक विंडो, यहाँ पर चेयर रखी हुई है, बहुत ही क्लीन रखती हैं घर। और देखिए जब मैं इनका घर का होम टूर दे रही हूँ ना, तो कोई भी साफ़ सफाई नहीं की है हमने, ऐसे ही जब बाजी का घर ना मेरा बिल्कुल ऐसे ही हमेशा क्लीन रहता है। और देखिए ये इनका बेड है, और यहाँ पर एक बोल तक रखा हुआ है पिलोज, और ऊपर आ जाती है दो छती देखिए, और इस साइड आ जाते हैं मचान। पहले देखिए पहले के लोग ना मचान डलवा कर रखते थे, इनकी जो बड़े होते हैं ना घर के सासू माँ हैं उन्होंने ऐसे ही बनवाया हुआ है। और फिर आ जाते हैं देखिए इधर बेड के जस्ट बराबर में, और बेड के पीछे ना एक देखिए सामने आप अलमारी देख सकते हैं, उसमें सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर रखा ड्रेसिंग, ये बाजी की शादी का ही फर्नीचर है, देखिए माशाल्लाह कितना आज भी एकदम साफ़ सुथरा और एकदम नीट एंड क्लीन है। और देखिए बहुत ही केयर करती हैं बाजी अपने फर्नीचर की। और ये देखिए ड्रेसिंग है इनका, ये बाजी का चूड़ी केस रखा हुआ है देखिए, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है देखिए। और जस्ट इसके बराबर में आते हैं बैग वगैरह रखे हुए हैं हमारे, और यहाँ पर रखी हुई है दो चेयर कमरे में, बड़ा सोफ़ा जो है बाजी का जो है, जगह नहीं थी ना इनके यहाँ, स्पेस नहीं थी, तो इन्होंने उसको रीसेल कर दिया था। और ये दो छोटी चेयर थी ना ये इन्होंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर बुक्स वगैरह लगी हुई हैं, मेरी जो भांजी हैं सब कॉलेज जाती हैं तो उनकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। और ऊपर देखिए स्लेब, यहाँ पर ये देखिए फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, पेंटिंग रखी हुई है, ये मेरी सिस्टर ने बनाई हुई है बिफोर मैरिज, ये अपनी शादी में लेकर आई थी इसमें। और देखिए यहाँ पर जो है मेरी सब भांजियों की ट्रॉफी वगैरह रखी हुई है, ये सब इनको स्कूल से मिली हुई है, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी मेरी ट्रॉफी है, देखिए कोई फर्स्ट की है, कोई सेकंड की है, कोई फर्स्ट की है, देखिए माशाल्लाह। और ये मेरे भांजों को मिली थी वाली ट्रॉफी, और देखिए आज दीपा को मिली थी बड़ी वाली ट्रॉफी, देखिए ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफी ने स्कूल से मिली हुई है। और यहाँ पर लग रही है वॉल क्लॉक, LCD लग रही है। यहाँ से आते नीचे एक अलमारी है यहाँ पर, और अलमारी के ऊपर एक स्लेप है, यहाँ पर देखिए पेंटिंग बनाई हुई है बाजी ने, बहुत प्यारी मक्का बनाया हुआ है खाना बाबा, बहुत खूबसूरत है। और जस्ट इसके नीचे ही रखा हुआ है फ्रिज बाजी का,
ये फोल्डिंग खड़ा हुआ है। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन रखती हैं मेरी भांजी, बहुत अच्छा घर करके रखती हैं, बिल्कुल बहुत साफ़ सफाई की आदत है इन लोगों को। और ये मैं आपको होम टूर दे रही हूँ। तो देखिए जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पर आई थी ना, तो सब ने बोला था कि आप अपनी सिस्टर के घर को होम टूर दीजिए, मैं दे नहीं पाई थी। बट मैंने सोचा चलिए अब आई हूँ तो मैं इसलिए आपको होम टूर दे रही हूँ अपनी बाजी के घर का। ये देखिए प्लग लगा हुआ है चार्जिंग के लिए और यहाँ पर चार्जिंग हो रही है इन्वर्टर की। ये देखिए कमरा है इनका, ये बरामदा है बाजी घर का। तो खड़ी है इसकी फ्रेंड, खड़ी बातें कर रही है फ्रेंड से। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? ऊपर इनकी देखिए जीना जा रहा है ना, ये ऊपर जीना जा रहा है, इनकी जेठानी ऊपर रहती है। ऊपर है तो आप तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरी सिस्टर के घर का होम टूर? अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना और एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको कैसा लगा मेरी सिस्टर का ये प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा घर। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपनी नई न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।